हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं रेडी हुई हूँ। बहन के यहाँ वास्तु पूजा है तो जाने के लिए, और इस तरह से रेडी हुई हूँ मैं। मेरा फुल लुक आपको बताती हूँ कैसे दिख रही हूँ मैं। देखिए गाइस, ये इस तरह से ड्रेस है, पूरा फुल मेरा इस तरह से ड्रेस है। गाइस कैसा है ये कड़ा? ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है और ये ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं आपको मेरी रिंग दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी रिंग है, नेल पेंट नहीं लगाई है मैंने, और दूसरी वाली एक ईयर रिंग पहनी है मैंने। अब नेल पेंट लगाने को टाइम नहीं है। तो गाइस सुबह जय चले गए थे ऑफिस जाने के लिए, लेकिन वो ट्रेन सब बंद है तो इसलिए वो रिटर्न आया, और लकीली हम साथ में जा रहे हैं, नहीं तो मैं अकेली जाने वाली थी बहन के यहाँ वास्तु पूजा में। पर अब जय भी रेडी हो रहे हैं और हम सब साथ में जाएंगे। पहले भाई की गाड़ी में जाने वाले थे पर अब जय भी साथ में है तो उसमें ज़्यादा सब जमा हो रहे हैं, तो फिर हम अपनी गाड़ी में मैंने टैब बुक की, अपनी गाड़ी तो नहीं, मैंने टैब बुक की है तो उसमें जाएंगे हम लोग। ओके, सिंपल सा मेकअप किया है गाइस, आधा आईलाइनर लगाया, अब लगाती हूँ आईलाइनर एक मिनट में। गाइस मैं आईलाइनर, गाइस मैं आईलाइनर लगाती हूँ ना तो मुझे ना आंखों में बहुत उसे खुजली जैसा आता है, तो मैं उसको ये कर देती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत संभालूंगी आईलाइनर को। एक आंख में मैंने लगा लिया, अब मैं दूसरी आंख में लगाने जा रही हूँ। मैं बहुत कम आईलाइनर लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली रेडी हो गई हूँ, और कैसे लग रही हूँ बताइए। ये मेरा अंगूठी है, ये मेरा कड़ा है, और इयररिंग्स मैंने सादे ही पहने हैं, वो बड़े वाले नहीं पहने हैं। कुछ और लग रहा है पर फिर भी मैं एक बार चेक करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो गाइस हम दोनों तैयार हो गए हैं इस तरह से, और अब बस गाड़ी वाला अभी तक आया नहीं है, आता ही होगा, तो अब हम निकल रहे हैं। गाइस फाइनली अब मैं निकल रही हूँ, तो ये है मेरा लुक। तो गाइस मेरे झाड़ का फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है देखिए, और गाड़ी वाला आ गया है और जय भाग भाग के जा रहे हैं जल्दी से। चलो मैं भी बाहर निकलती हूँ, नहीं तो गेट बंद कर देंगे और मुझे अंदर ही रख देंगे। गाइस आपको पता ही है मुझे फ्लावर्स कितने पसंद है, और मेरे झाड़ के फ्लावर्स तो इतने सुंदर सुंदर आते हैं ना। ये फ्लावर्स कहाँ से ना, पूरा पूरा झाड़ भर गया है रेड रेड कलर के फ्लावर्स से। गाइस सब लोग इस तरह से नथ पहन के तैयार हुए हैं,
और मैंने भी पहन लिए और मम्मी को मैंने मेरी गाड़ी में ले लिया है। ट्रेन को भी आज ही जल्दी का था। तो मम्मी ट्रेन को भी आज ही जल्दी वो सब नसीब की बात रहती है। जेपी बाबू आपको आना था तो ये हम पहुंच गए हैं अपने बहन के घर के यहाँ। यहाँ पे सिस्टम देखो कैसा है गाड़ी का। गाड़ी ये गाड़ी क्यों इधर लगाई है? हाँ भैया ये गाड़ी क्या ऐसे क्यों लगाई है? ऐसे पार्किंग ऊपर चला गया। ओहो ये पार्किंग है। अरे बाप रे देखो तो गाड़ी को ऐसे ऊपर कर दिया है। और ये ऐसे फिर नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिक। गाड़ी कैसे नीचे आएगी? अच्छा देखिएगा इस ये गाड़ी इस तरह से ऊपर है फिर ये यहाँ से ये रोड में से गाड़ी को ऐसे मुझे लगता है कुछ रिमोट से नीचे आएगा। गाड़ी सीधा नीचे आ जाएगा। अच्छा आइडिया है। देखिए इस तरह से गाड़ी रखने को पार्किंग बनाया है। बॉम्बे में क्या क्या जुगाड़ करेंगे पता नहीं है। भैया बोलिए क्या मस्त जुगाड़ किया है ये। यहाँ भी एक दूसरी गाड़ी लगाई है ऊपर देखिए वहाँ भी एक गाड़ी लगाई है। हाँ कहाँ दिखाऊँ? ये वाला देखो कैसा है। ओ गॉड नहीं वो तो पार्किंग सही है। तो गाइस इन लोग का पार्किंग ऐसा है ये ऑटोमेटिक गाड़ी अंदर चली जाती है। देखिए इस तरह से पूरा पार्किंग है। ओ गॉड और गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देने की हाँ ऊपर आ जाती है। ये सिस्टम मुझे कुछ समझ में नहीं आया पर सॉलिड सिस्टम है इन लोग का। ये देखिए सब मशीन से गाड़ी अंदर जाएगी मशीन से बाहर आएगी। कैसे अगर आप लोगों को वो गाड़ी निकालना है ना हाँ तो ये नीचे जाएगा ये यहाँ आएगा। अच्छा ऑटोमेटिक ऐसा कौन सा गाड़ी फर्स्ट वाला गाड़ी निकलना है? तो वाला भी गाड़ी निकलना है तो फर्स्ट ऐसे ही निकल जाएगा। फर्स्ट तो ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ हाँ अब जो ऊपर वाला गाड़ी हाँ जाना है ये नीचे जाएगी। ओके ये अंडरग्राउंड जाएगा नीचे। ओके ये जगह ना अंडरग्राउंड चली जाएगी यहाँ पे आएगी। ओके ये गाड़ी ऑटोमेटिक ये साइड है और ये ऊपर वाली गाड़ी फिर वो नीचे आ जाएगी। ऐसे सिस्टम है। सारा सिस्टम बहुत बनाया है बाप रे सॉलिड है पर फिर भी मेरे थोड़े समझ में नहीं आया। पहनती हूँ। साक्षी हाय बोलो। हाय बे। रुको तो हम सब आ गए हैं। कोई तुम भी डालो ना कैसा ऑड लग रहा है। ला दे ना मैं डालती हूँ। क्या ऑड लग दे सब डाले इन्होंने नहीं डाली है तुम डाल के दे बराबर उम्मीद जम रहा है। ये सब लोग मुझे ये नथ पहनने के लिए जिद कर रहे हैं और मैं अभी पहन रही हूँ। अरे तो गाइस हमने पहन लिया। चलो आओ जो जो नथ पहने मेरे पास आ जाओ फटाफट जल्दी आओ छोटी ना फटाफट। ओके तो हम सब इस तरह से नथ पहन के रेडी हो गए हैं हम सब ऊपर।
और उधर पहन के यहाँ पूजा चल रही है, लेकिन हमारा यहाँ पे ही फोटो सेशन चल रहा है। पूजा हो रही है सबके, यही फोटो सेशन चल रहा है। दो माले पे 2016। गाइस फ्लैट ना 22 माले पे है और 21वें माले पे है और 22 माले का बिल्डिंग है। और पता है एक बार क्या हुआ था, लिफ्ट में घुस रही हूँ मैं। हम लोग रशिया में थे ना, हम लोग थे रशिया में, तभी लिफ्ट ना बंद हो गई थी। मतलब हम लोग लिफ्ट में अटक गए थे और हम लोग का फ्लैट था 16वें माले पे, तो लिफ्ट रास्ते में ही बंद हो गई थी। और फिर पूरा उसी दिन हमें वहाँ से शिफ्ट, मतलब वहाँ से एयरपोर्ट पे के लिए जाना था, और पता नहीं फुल डे लिफ्ट चालू नहीं हो रही थी और इतना सारा सामान हमें उठाना था। तो गाइस फिर हमने ना 10वें माले तक सारा सामान नीचे उठाया और उतार के लाए, और उसके बाद ना बाद में पता चला लिफ्ट चालू हुई है। तो फिर लिफ्ट में सामान छोड़ा और वापस से लिफ्ट एक माला नीचे उतरी और वापस बंद हो गई। तो हमने सारा सामान लिफ्ट में ही छोड़ दिया और हम लोग बाहर निकल आए, और हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरे तब देखा तो नीचे लिफ्ट आई थी। ऐसा हुआ था, बाप रे। हाँ बता ना, और ये गिफ्ट रैप खुलते हुए गिफ्ट के अंदर क्या है, वो राज खोल दिया है। गिफ्ट के अंदर का राज खोल दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप लोग आ गए, वही हमारे दिया है। और इसमें हल्दी कुंकू डाल के भगवान को लगाना। कनेक्टिंग इज ओके। गुड, आवाज कौन कर रहा है? झूमर ने आवाज की। झूमर ने आवाज किया? पहले की तरह वापिस आओ। क्या है बोल सकते सेल्फी? बहुत फोटो फोटो हो गए हैं, फोटो खींच खींच के। इतना अच्छा सब डेकोरेट है ना, तो सब लोग लगे हैं फोटो निकालने के पीछे लगे हैं। और गाइस मैं भी कब से लगी हूँ। पोजीशन मत चेंज। सब लोग हाय करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से, और बेल आइकन भी दबाइए प्लीज।
हंसी जल्दी, अभी हंसी आ गई। तो हंसो ना, हंसी आ रही तो हंसना बहुत अच्छी बात है। ये मेरी बहन है और इसके घर के वास्तु पूजा में हम लोग आए हैं।